अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं न्यू पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। तो मेरे भाई हमजा भाई हैं, हमजा भाई और इनाम भाई, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया विज़िट करवाने आए थे। तो हमने आज पहले सर्च किया कि हम कौन सी जगह पे जाएं, तो फिर हमने देखा कि सिडनी ओलंपिक पार्क जो है ना वो बेस्ट वन है, तो हमने वही चूज़ किया और हम निकले सुबह टाइम हमजा भाई से और इनामुल्ला भाई से ना हम उनके व्यूज़ लेंगे कि इस पार्क के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। वो तो इधर माशाल्लाह पहले इधर से ही हैं और पहले इधर आते जाते हैं, तो मुझे इस बारे में इतना इलम नहीं है, तो उनसे पहले व्यूज़ ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट से विज़िट करेंगे और दैन इंशाल्लाह देखेंगे। जी इनामुल्ला भाई, पहले आप बताइएगा इस पार्क के बारे में, इस पार्क की एनवायरनमेंट के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? एनवायरनमेंट तो आप देख ही रहे हैं कि नीट एंड क्लीन है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया आप कहीं पर भी चले जाएं तो पार्क्स वगैरह हैं यहाँ पे, जो बीचेस हैं, ब्यूटी यहाँ की पहचान है ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल क्लीनिंग की वजह से इसको ज़्यादा लाइक करते हैं और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। जी जी, लोग आए हैं घूमने फिरने के लिए यहाँ, और अकोमोडेशन वगैरह के लिहाज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इट्स रियली गुड। ओके, हमजा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि व्यूज़ अपने शेयर कर दें हमारे ऑडियंस के साथ? बस यही है कि हम काफ़ी देर के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। जी जी, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तो जी जी ज़्यादा लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, तो फिर हम ऐसे इंशाल्लाह जो हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम। जी, हमजा भाई का कहना ये है कि हम इस चैनल पर मेहनत करते हैं, तो हमें हमारी मेहनत का सिला इसी सूरत में मिल सकता है जब आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को और पूरी वीडियोस देखेंगे, तो इस तरह से आपको मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा काम करने का। तो चलें जी, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पार्क के बारे में, पार्क क्या है, कैसा है और कितने एरिया में है, मतलब इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है ना ये मतलब अभी हमने पार्क विज़िट कर लिया, तो हमजा भाई ने कहा कि यार हमारे ऑडियंस हैं, हमें वीडियो बना लेनी चाहिए, तो फिर हमने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये पार्किंग स्टैंड है, ये हमारी कार खड़ी है, फोर गाड़ी वीगो के पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी, इसी पे आए हैं हम और जी ये जा रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है, आगे पार्क व्यू है, मतलब मीन दैट के वाटर व्यू भी है इधर। ये बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ये वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, अच्छा अच्छी बिल्डिंग है। मौसम का दिखा देता हूँ आपको, मौसम इस तरह से है। तो ये था जी एक शॉर्ट सा और एक मुख्तसर सा विज़िट था इसका पार्क, सिडनी ओलंपिक पार्क का। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आपको फर्दर जो है हम दिखाते रहेंगे। जी अब हम आए हैं इस तरफ, जिस तरफ ये थोड़ा सा लेक व्यू टाइप, मतलब व्यू है, रिवर टाइप कह सकते हैं या वाटर जैसे भी कहें, मतलब कोई बहुत अच्छा सा व्यू है इधर, तो उस तरफ आए हैं। तो उससे पहले ये बिल्डिंग्स हैं, ये मतलब मीन दैट ओलंपिक पार्क की ही बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें ये होता है इस तरह से। तो ये पिकनिक बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखें वो काइट वगैरह जो हैं उनके पास हैं, तो वो पतंग वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बहुत खूबसूरत तरीन व्यूज़ हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जनाब ये हम अब जा रहे हैं जो वाटर व्यू की तरफ, तो वाटर व्यू बहुत प्यारा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे इस तरह होता है कि हम मुंह उठा के जहाँ से हमारा दिल चाहेगा हम सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, ये वाली लाइन लगी होती, इन लाइन से आपने देखना होता है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ जब आप देख लेते हैं देन आप अपना जो रोड है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो जी ये है जनाबे वाला वाटर व्यू है जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, जितना कहा जाए उतना कम होगा मेरे ख्याल से। देखें लोग जो है पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे परिंदे, इंसानियत की बात की जाए तो इंसानियत की ये है कि यहाँ पे परिंदे लोगों से डरते नहीं हैं, तो मतलब
मीन दैट ये कि यहाँ पे आपको बहुत ही फैसिलिटीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से। इनके रोड्स देखे जाएँ तो बहुत वेल मैनेज्ड रोड्स होते हैं। ये देखें जी, ये रोड्स होते हैं इनके। तो अब हम आगे चलते हैं, हमजा भाई और इनामुल्ला भाई जो हैं वो चले गए आगे, तो मैं भी उनकी तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये वाले व्यूज़ हैं, तो बेसिकली मज़ा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। हमें भी खुशी होती है कि यार हमारे हम गए हैं किसी जगह पे, तो हम अपने जो ऑडियंस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ शेयर कर दें। तो दैट्स वाई वी जस्ट डन इट एंड वी हैव मतलब वी हैव अ पेन फॉर यू गाइस एंड दैट्स वाई वी आर देयर। एंड देखें जी, एक बहुत खूब व्यू है। तो इसके साथ साथ ये एग्जिट ओनली का लगाया हुआ है, तो पार्किंग आपको वेल मैनेज तरह से करनी होती है। ये जी स्टील ब्रिज टाइप कह सकते हैं इसे, ब्रिज बना हुआ है वाटर व्यू के दरमियान। तो इसे इस तरह है कि आप पानी के दरमियान आ जाते हैं, तो किसी साइड पे नहीं। ये देखें, ये एक काफ़ी बड़ा परिंदा है और ये खूब इंजॉय कर रहा है। गर्मी का सीज़न है यहाँ पे, तो ये स्विमिंग करते हैं, तो मतलब पानी तो इनके लिए एक अनमोल नेमत है खुदाए बारी ताला की। हमजा भाई हैं, हमजा भाई क्या तबीयत ख़राब है, तो कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, पहले उनसे बात हो चुकी है हमारी। तो इसके साथ साथ ये मज़ीद व्यूज़ हैं, ये रोड जा रहा है, ये बिल्डिंग्स हैं। तो इसी तरह से ये परिंदे बैठे हुए हैं नहाने के बाद, बड़ा खूब इंजॉय कर रहे हैं ये सारे। ये सीन देख रहे हैं आप, ये परिंदे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झील है। हमने भाई इंस्ट्रक्शंस देते हुए मुझे कि झील बहुत प्यारी है। ओके जी, ये पार्क व्यू डन हो गया है।